Good morning, students. Today we are going to start chapter number 1. What is the name of the chapter number 1? Chapter number 1 is Computer Software. Okay, can you tell me what is software? Okay, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो सारी फाइल जो एप्लीकेशंस है फाइल्स है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, राइट? और आपके हाथ में जो टेक्स्ट बुक है वो क्या है? हार्ड कॉपी. ओके, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया? सॉफ्टवेयर मींस जो स्क्रीन हम जो भी कुछ हम स्क्रीन में देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है. और हार्डवेयर मींस क्या होता है? जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं, हमारे हाथ से उसे फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है. ओके, तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे. किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए यू नीड सॉफ्टवेयर. ओके, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट. सो लेट्स स्टार्ट सॉफ्टवेयर. Introduction. In the past two decades, computers have reshaped our lives almost everywhere, whether it is at home, work, school, hospital, etc. There has been an enormous increase in the use of computers. A computer can be defined as, see, हमारे लाइफ में हम सब जगह पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं. आप कहीं पे भी चले जाओ वहां पे आपको कंप्यूटर्स दिखेंगे ही. स्कूल में दिखेंगे, पापा के ऑफिस में दिखेंगे, कहीं आप बाहर जा रहे हो रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे. Everywhere you can see use of computers. Now see, now what is computer? The definition of computer in this software terms. An electronic device that performs diverse operations with the help of instruction to process the data in order to achieve desired results. Computer kya hai? An electronic performance. Computer mein jo kuch bhi aap work kar rahe ho, it is called प्रोसेस, है ना? उसको आप डेटा को जो भी करते हो वो प्रोसेस हो जाता है ना. और कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, नाउ सी, अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर. इट इज मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम. लेट अस रीड अबाउट सॉफ्टवेयर इन डिटेल. सी, कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए यू नीड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कहाँ करोगे? अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर का आप क्या करोगे? कैसे कंप्यूटर हैंडल करोगे? अगर आपके पास हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है आपके पास, बट उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर कैसे चालू होगा? ओके, तो कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए. आज इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करेंगे. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर perform task. Software is another terms of computer program. It controls the computer and makes it do useful work. Without software, a computer is useless. Computer क्या है? Software क्या है? Software is a set of instructions, है ना? Software में instruction दी है बहुत सारी. एक instruction नहीं, बहुत सारी instruction दी है अंदर. For example, कैसे open होना है, कैसे कहाँ पे file save करनी है, कैसे वहाँ से ये इफेक्ट होती है, कैसे स्क्रीन सेवर आता है, वॉलपेपर आता है, ओपन कैसे होती है फाइल, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक सॉफ्टवेयर के अंदर फिट की हुई है ना? उससे पूरा बनके एक सॉफ्टवेयर बनता है. नाउ सी, अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा. नाउ सी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो है सारे. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करते हैं, वो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर अंदर प्रोसेस होता रहता है, उसे हम यूज़ नहीं करते, वो कंप्यूटर यूज़ करता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं हमारे वर्क करने के लिए. नाउ सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू क्रिएट अ कंप्यूटर. The operating system is a type of the system software. System software can be classified into three categories as shown. See, computer ko start karne ke liye we need one operating system. Okay, operating system is a type of system software. Abhi system software ke bhi alag alag types hai. Operating system, programming software and utility software. Let's learn about operating system. An operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory, process data, and control all its software as well as hardware. It serves as an interface between the user and the hardware. Without an operating system, a computer is useless. See,
कंप्यूटर में जब भी हम वर्क कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, तो हमें कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपको पता है ना, एंड्रॉयड और आईफोन वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ सी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्रीलोडेड ऑन एनी कंप्यूटर यू बाय। मोस्ट पीपल यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स विद देयर कंप्यूटर, बट इट इज पॉसिबल टू अपग्रेड और इवन चेंज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द थ्री मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस 10 एंड लिनक्स। अदर नोन नेम्स आर आई मैक, यूनिक्स एंड डोज। सी, ये तीन जो है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे पता चलेगा? जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो उसके बाद एक स्क्रीन वेव्स होती है डेस्कटॉप आने से पहले, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, तो जो आईफोन एप्पल जो लैपटॉप और कंप्यूटर, उसमें मैक का ओएस होता है और हमारे कंप्यूटर में विंडोज होता है, जो विंडोज के नॉर्मली कंप्यूटर्स आते हैं उसमें। ओके, तो नाउ लेट्स सी, दिस थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है। जब भी हमारा कंप्यूटर हम लेते हैं, न्यू कंप्यूटर लैपटॉप, तो उसके अंदर वो इनबिल्ट ही आता है। ओके, बट आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन के बाद। या तो आपको सपोज विंडोज नहीं चाहिए, तो विंडोज 7 है आपको, वो नहीं चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो वापस से इंस्टॉल करवा के। फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, provides user interface. The interface can be character user interface CUI or graphical user interface. Runs application through. See, ये सारे जो है वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। क्या करता है? कंप्यूटर्स को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को। इंटरफेस बिटवीन CUI एंड GUI, runs application through the सी, वो applications को रन करने में भी कौन हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ द सॉफ्टवेयर यूज बाई द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन बाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर्स, असेंबलर्स, डिबगर्स, इंटरप्रिटर्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर पता है आपको क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने में काम आते हैं। आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखते हो ना, उससे प्रोग्राम नहीं लिखा जाता, प्रोग्राम लिखने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सारे क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से कंप्यूटर में यूज होते हैं, बैकअप लेने के लिए, डेटा कंप्रेस करने के लिए, डिस्क डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके, तो नाउ लेट्स सी, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फाउंडेड इन 1975 इज डिवोटेड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन ऑल एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कब डेवलप हुआ था? 1975 में। ओके, नाउ सी, बैकअप यूटिलिटी। इट इज यूज फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल्स फॉर एमरजेंसी। विंडोज बैकअप एंड रिस्टोर इज द डिफॉल्ट विंडोज बैकअप यूटिलिटी। हमारे कंप्यूटर में एक बैकअप यूटिलिटी करके एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है? जब भी हमने उसमें डेटा का टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी सेट किया होता है कि एवरी ऑल्टरनेट डे के वीक में एक बार या फिर एवरी नाइट में इतने ये टाइम पे हो जाना चाहिए, तो कंप्यूटर अपने आप उसका बैकअप लेता होता है। तो जब भी कभी हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जहाँ तक का लास्ट का फॉर्मेट होता है, वायरस आ गया, कुछ भी डेटा करप्ट हो गया, तो लास्ट में जहाँ तक का बैकअप उसमें रिस्टोर हुआ होता है ना, वहाँ तक का बैकअप हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। डिसकंपैरिजन प्रोग्राम, डिसकंप्रेशन प्रोग्राम। इट इज यूज टू कंप्रेस अ लार्ज फाइल इनटू अ फाइल ऑफ स्मॉलर साइज सो दैट इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड इज इजी टू स्टोर। सी, कंप्यूटर में हम जब भी कोई फाइल देखते हैं तो साइज में बहुत बड़ी होती है। आपने नेट पर से कोई डाउनलोड, आप डाउनलोड की सेटअप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वो पहले ऐसे वाले आइकन्स आते हैं उसमें, क्योंकि वो विनरार फाइल होती है। विनरार फाइल मतलब उसको कंप्रेस करके छोटे साइज में दिया होता है।
फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तो कंप्रेशन फाइल का क्या यूज़ होता है, कंप्रेशन क्या करता है, कंप्रेशन फाइल को कंप्रेस करके थोड़ी स्मॉलर साइज कर देता है। ओके, विनजिप एंड विनरार ये दोनों क्या है, कंप्रेशन प्रोग्राम के। नाउ डिस्क डिफ्रेगमेंटर, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, द फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्पेस। जो मेमोरी का जो ये पार्ट है ना डिस्क फ्रेगमेंट, वो क्या करता है अपने अंदर डेटा स्टोर करता है, क्या करता है स्टोर करता है। नाउ सी, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ दैट स्पेस बिकम्स फ्री। When a new file is saved on the computer, some part of it is saved on the first available free space in the memory. See, जब भी हम कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करते हैं तो वहाँ से स्पेस खाली हो गई, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फाइल्स है, हमने 1 नंबर की फाइल डिलीट कर दी। ओके, तो डेटा वहाँ से खाली हो गया, 1 नंबर में से 2, 3, 4 तो भरा हुआ है अभी। तो जब भी हम कोई न्यू फाइल सेव करेंगे ना तो वो 1 नंबर में जाकर सेव होगी। टेम्पररी वो कहाँ पर सेव होती है, वो 1 नंबर वाला ब्लॉक पकड़ लेती है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर फाइल खाली है स्पेस। सम पार्ट ऑफ इट सेव्ड ऑन द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस इन द मेमोरी। आफ्टर सम टाइम द फाइल गेट्स स्टोर्ड इन अ वेरियस फ्रेगमेंट विच स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। द डिस्क डिफ्रेगमेंटर ऑर्गेनाइज द फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइल्स इनटू कंटिन्यूस ब्लॉक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। सी, बाद पहले वो फर्स्ट नंबर पे जाके स्टोर हो गया, फिर ऐसे अलग 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 ब्लॉक में फाइल सेव होती है, इससे क्या होता है हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, क्या हो जाता है स्लो हो जाता है। तो फ्रेगमेंटर का काम क्या है, वो फाइल्स को सबको अपनी अच्छे से सेव कर देता है, सारा का सारा डेटा अच्छे से सेव हो गया तो फिर फाइल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में, थोड़ा वो स्पीड कर लेता है। नाउ वायरस स्कैनर, वायरस स्कैनर आप सबको पता होगा, सबके कंप्यूटर में लैपटॉप में ये तो कंपलसरी होता ही है, अगर ये नहीं होता है तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं। नाउ सी, वायरस स्कैनर, इट इज़ यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस अमंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। इट स्कैन्स द डिस्क ईच टाइम यू इंसर्ट इट इन टू अ कंप्यूटर और वेन एवर द कंप्यूटर इज बूटेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्विक हिल, नोटन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सी, हम जब भी हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं कंप्यूटर स्कैन होने जाता है, जब भी हम कंप्यूटर बूट करते हैं, बूट में स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब भी वो वायरस सॉफ्टवेयर वाला आ जाता है सिंबल और कंप्यूटर अपने आप स्कैन होने लगता है। ओके, कोई किसी का एक्स्ट्रा मोबाइल अटैच कर दिया, पेन ड्राइव अटैच कर दी, कैमरा अटैच कर दिया, कुछ भी हम अटैच करते हैं तो वो पहले स्कैन होने जाता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। ओके, सो नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप क्या करोगे, आप यहाँ तक का सारा चैप्टर रीड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।